नमस्कार दोस्तों, मंथन हब जो आपको मंथन करने में मदद करे। मंथन हब तो मंथन करने में मदद करे, लेकिन आप लोग मंथन करते नहीं हो, इसी से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस वीडियो की कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो को सिर्फ वही लोग ही समझ सकते हैं जिनके जीवन में विचार शक्ति है, जिनके जीवन में वासना कम है, वही लोग ही इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं ज्यादा गारंटी नहीं ले सकता कि सब इस बात को समझ पाएंगे। मंथन हब का सारा फोकस पुरुषों पर ही है। मंथन हब का उद्देश्य है कि पुरुष समाज चरित्रवान बने, विचारवान बने, उनका व्यक्तित्व निखरे, संस्कारी बने। ऐसा होने से क्या होगा, स्त्री अपने आप संस्कारी हो जाएगी, स्त्रियों का चरित्र अपने आप बन जाएगा, स्त्रियों का व्यक्तित्व अपने आप बन जाएगा, स्त्रियां अपने आप संस्कारी हो जाएंगी, क्योंकि पुरुषों के संस्कार, व्यक्तित्व, चरित्र पर स्त्रियों का सब कुछ डिपेंड करता है। अगर किसी पुरुष को स्त्री को देख करके मन में गलत विचार चलते हैं, यानी कि बुरे विचार चलते हैं, तो हमारे महापुरुषों ने, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि स्त्रियों के पांव को देखना चाहिए, स्त्रियों के पांव को देखते हुए देवी की भावना करनी चाहिए, मां की भावना करनी चाहिए। इस तरीके से भावना करने से आपके मन में जो गलत विचार चल रहे हैं वो दूर हो जाएंगे और आप गलत चीज सोचने से और करने से बच जाएंगे। हमारे शास्त्रों ने कहा है, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां जहां नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहां वहां देवता रमण करते हैं। यहां पर उस नारी की पूजा की बात की जा रही है जो संस्कारी है, जो पुरुषों को पवित्र बना देती है, जिसके जीवन में कर्तव्य निष्ठा है। यानी कि नारी के कई रूप होते हैं, बहन का भी एक रूप है, माँ का भी एक रूप है, पत्नी का भी एक रूप है। उसी हिसाब से नारी अगर अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करे तो वो नारी पूजा के योग्य है। नारी अगर संस्कारी है, दूसरों को यानी कि समाज को पवित्र बनाने वाली हो, तो उसकी पूजा होती है और उस नारी की पूजा की बात इस श्लोक में की गई है। लेकिन उस नारी की पूजा नहीं हो सकती जो पुरुषों के चरित्र के माथे पर कदम रख करके चले। दोस्तों, उस नारी की पूजा नहीं हो सकती जो पुरुषों की वासना को भड़का, उस नारी की पूजा नहीं हो सकती जो समाज और संस्कृति को खराब करे। तो क्या है उपाय? जो स्त्रियां वासना को भड़काती है अंग प्रदर्शन करके या कई प्रकार की हरकत करके, क्या होगा उस स्त्री का? उस स्त्री का कुछ नहीं हो सकता, ना कुछ करना चाहिए, कुछ भी कड़ा एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जरूरी है, हर पुरुष अगर यही ठान लें कि मुझे विचारवान बनना है, मुझे संस्कारी बनना है, मुझे चरित्रवान बनना है, मुझे कर्तव्य निष्ठ बनना है, अगर हर पुरुष ऐसा सोच लें तो पुरुषों के अंदर ऐसी विचार शक्ति जग जाएगी, तो हर स्त्री को वो माँ के नजर से, बहन के नजर से देख पाएंगे। अगर पुरुषों की दृष्टि इस तरीके से बदल जाएगी, जो स्त्रियां हैं जो पुरुषों की वासना को भड़काने की कोशिश करती हैं, और वो अपने आप इस बात को समझ जाएंगे, हम क्या हैं, हम तो वो चीज है पुरुष को, समाज को और संस्कृति को पवित्र कर सकती है, और ऐसे नारी की पूजा की जा रही है, और ऐसे नारियों की हमारे देश को, समाज को और संस्कृति को जरूरत है। इसलिए पुरुषों को फोकस करते हुए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप भड़केंगे, कैसे भी भड़कें, तो स्त्रियां आपसे डबल भड़केगी, और क्या होगा, पूरे समाज में, पूरे देश में आग लगेगी। इनफैक्ट आग लगी हुई है और ये आग बढ़ती जा रही है। सबसे लास्ट में एक बात मैं कहना चाहता हूं, कुछ भी रिएक्शन देने से पहले थोड़ा सा अपनी बुद्धि से इस बात का आप लोग विचार करना, अगर मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि मेरी बहन सेक्सी शॉर्ट्स वीडियो बना करके या स्टोरी बना करके सोशल मीडिया में पोस्ट करे और बाकी लड़के मेरी बहन को गलत नजर से देखें और मजे लें, अगर मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, तो मेरा भी ऐसा कोई अधिकार नहीं बनता है कि दूसरे की माँ बहन की गलत वीडियो को देख करके, सेक्सी शॉर्ट्स को देख करके, गलत हरकतों को देख करके मैं मजे लूं, मेरा ऐसा कोई अधिकार नहीं बनता है। बहुत लोग इस तरह की बात कहते हैं
कि स्त्रियों को अपने काम करने दो, वो तो अपने प्रोफेशन में है, स्त्रियों को अपने हिसाब से जीने दो, आजादी से जीने दो, कुछ भी पहनने दो, कुछ भी करने दो, आपको अपनी सोच सुधारने की जरूरत है। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, सोच सुधारने की जरूरत नहीं है, नई सोच जगाने की जरूरत है। कि अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बहन को सब गलत नज़र से देखें और मजे लें, तो दूसरों की माँ बहन को भी मैं उस नज़र से नहीं देख सकता, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है। ये सोच जगाने की जरूरत है, तब जा कर के ये समाज आगे बढ़ेगा, ये संस्कृति आगे बढ़ेगी और देश आगे बढ़ेगा। इस वीडियो में कुछ भी रिएक्शन देने से पहले अपने आप को अपने परिवार के साथ जोड़ते हुए फिर समाज के साथ जोड़ें, समाज को संस्कृति के साथ जोड़ें और संस्कृति को अपने देश के साथ जोड़ें और सबसे लास्ट में सारे देश को पूरी दुनिया के साथ जोड़ें और ये सोचें कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। इस सोच से थोड़ा समय लें, फिर अपना रिएक्शन दें और आप सही रिएक्शन दे पाएंगे। अगर कुछ भी अपने मन में चल रहा है, कुछ भी आपने लिख दिया, तो ऐसा माना जाएगा कि आपके अंदर वो विचार शक्ति अभी तक जगी नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी विचार शक्ति को जगाइए, अपने संस्कार को जगाइए, अपने व्यक्तित्व को निखारिए, तब जा करके ये श्लोक सफल होगा और सिद्ध होगा। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। मुझे पूरा विश्वास है आप अपने माता पिता, गुरु और बाप दादे सबके संस्कार को ठीक तरीके से याद करके सही कदम उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।